इधर बजट का ऐलान करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने नौकरी पेशा लोगों को टैक्स में राहत दी। इनकम टैक्स की ओल्ड रिजीम को चुनने वाले लोगों के लिए टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम के लिए इनकम टैक्स में 17,500 रुपए तक की बचत का रास्ता खोल दिया गया। और पहली बार न्यू टैक्स रिजीम के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया गया। स्टैंडर्ड डिडक्शन वो रकम होती है जिसे कुल इनकम से घटाने के बाद बची हुई रकम पर टैक्स भरना पड़ता है। इसके अलावा टैक्स स्लैब में भी बदलाव किया गया। 3 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, 3 से 7 लाख तक की आय पर 5% टैक्स लगेगा, 7 से 10 लाख तक की कमाई पर 10%, 10 से 12 लाख सालाना कमाई पर 15%, 12 से 15 लाख सालाना तक की रकम पर 20% और 15 लाख से ऊपर की कमाई पर पहले की तरह ही 30% टैक्स लगेगा। A salaried employee in the new tax regime stands to save up to 17,500 rupees in income tax. हालांकि पुरानी टैक्स रजीम में कोई बदलाव नहीं किया गया।